हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर चैनल हुएमा। मैंने विस प्रिया और आज मैं आपके बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद मास्क लेकर आई हूँ। आज मैं जो हेयर मास्क बताने वाली हूँ वो आपके बालों की सबसे ज़्यादा जो हमारी प्रॉब्लम्स होती है हमारे इंडियन बालों की या बहुत सारी लड़कियों की औरतों की प्रॉब्लम होती है कि हेयर फॉलिंग। और ठंडियों में ज़्यादातर डैंड्रफ की वजह से हेयर फॉल होना बहुत ज़्यादा आम है, तो उसे रोकने के लिए ये मास्क आपको बहुत यूज़फुल होने वाला है। उसके साथ ही ये आपके बालों को सिल्की और सॉफ्ट भी बनाएगा, हेयर फॉल भी रुकाएगा, आपके बालों को घने और मुलायम भी बनाएगा। बहुत सारे जनों का ये प्रॉब्लम है कि हेयर फॉलिंग के साथ साथ इचिंग होना, स्काल्प में जो इचिंग होती है क्यों होती है, डैंड्रफ की वजह से। डैंड्रफ से हम बालों के ऊपर बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है, इचिंग होती है, इन्फेक्शन होता है। ये जो मास्क बताने वाले हो ये आपके लिए ये सब चीज़ें क्लियर कर सकता है। आपको सिर्फ रेगुलर इसे यूज़ करना है, वीकली एक बार सिर्फ लगाना है, बस हो गया, आपके जो भी ये प्रॉब्लम्स हैं वो सब निकल जाएगा। ये जो मास्क है इसमें विटामिन ए, विटामिन बी 12, विटामिन ई ये सब पाया जाता है, आपके लिए बहुत फायदेमंद है। तो वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक देखना, वीडियो पे नया आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो मास्क बता रही हूँ वो है एलोवेरा। एलोवेरा के साथ में आपको नींबू यूज़ करना है, ये दोनों को मिक्स करके आपको लगाना है। सबसे पहले मैं बताती हूँ एलोवेरा और नींबू आपके बालों के लिए क्या यूज़फुल है। एलोवेरा हमारे बालों से लेके स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, ये तो आपको पता ही है, लेकिन इसके अलावा घावों को भरने के लिए भी एलोवेरा बहुत ज़्यादा काम आता है। यहाँ तक एलोवेरा का जूस तरह पिया जाता है। जोड़ों का दर्द, पिंपल्स, ड्राई स्किन, ड्राई स्काल्फ, ड्राई त्वचा, स्किन के इन्फेक्शन, सनबर्न, फाइन लाइन, झुर्रियाँ, हमारे जो पिंपल्स डार्क छोड़ जाते हैं वो दाग धब्बे के लिए, डार्क सर्कल, सब के लिए मैं एलोवेरा के ऊपर कितने सारी बात कर सकती हूँ। इन सब के लिए ये यूज़फुल है। एलोवेरा के साइड इफ़ेक्ट्स तो नाक के बराबर है, कोई भी चीज़ आप अगर एक्स्ट्रा करोगे, ज़्यादा करोगे तो हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट है, लेकिन एलोवेरा के साइड इफ़ेक्ट नाक के बराबर है। बस आपको क्या करना है, अगर आपके पास रेडीमेड एलोवेरा है तो वो भी चलेगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको अगर एलोवेरा जेल खुद से बनाना है तो कैसे बनाना है वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले एलोवेरा के पौधे से एक मोटी पत्ती काटना है, उसके बाद वो जो एलोवेरा की पत्ती रहती है उसके नीचे येलो येलो सा निकलता है, पहले उसको आधे एक घंटे तक उल्टा करके रखना है कि उसका वो सब कुछ निकल जाए, क्योंकि वो अच्छा नहीं रहता है हमारे स्किन के लिए, तो वो पूरा का पूरा निकलना है चाहिए। तो उधर से कट करना है, लेकिन अच्छे से वॉश करके लेना है, उसके बाद उसे बीच में से कट करना है, बीच में से कट करके उसके दो भाग बनाने हैं, दो पार्ट्स बनाने हैं, और फिर एक चम्मच लेना है, उससे आप इजीली उसे निकाल सकते हैं, सिर्फ आपको चम्मच से इसे स्क्रैच करना है और उसे निकालना है और इजीली वो निकल जाएगा। आपको चाहिए तो वो जेल को ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर उसे बहुत टाइम तक रखना है तो फिर उसे एक मिक्सर में लेना है, उसमें आपको चाहिए तो रोज़ वाटर आप डाल सकते हैं। मिक्सर में लेने के बाद उसे अच्छे से मिक्स करना है, उसके बाद एक अच्छा सा कॉटन लेके उसके ऊपर वो जेल डालना है, उसे सिर्फ प्रेस करना है और वो जेल आ जाएगा, और इस तरह से आपको एलोवेरा जेल मिल जाएगा। तो इस तरह से मेरे पास एलोवेरा जेल अवेलेबल है। तो अभी एलोवेरा जेल में आपको क्या करना है, नींबू डालना है। नींबू बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, डैंड्रफ के लिए बेस्ट है, हेयर फॉलिंग के लिए बेस्ट है। नींबू में भी विटामिन सी, विटामिन बी और फॉस्फोरस बहुत मात्रा में रहता है, जिससे बालों में कोई नुकसान नहीं होता। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम डैंड्रफ, ये पूरा का पूरा निकल जाने के लिए नींबू, आप सिर्फ नींबू को भी इसका पानी निकाल के आपके स्काल्प के ऊपर कॉटन के हेल्प से लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा है, इसके भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बस आपको कुछ ज़ख्म हो गई है आपके स्काल्प में तो फिर थोड़ा इसे स्किप कर सकते हो। तो आपको नींबू के दो पार्ट्स करने हैं इस तरह से, और आपको नींबू का रस लेना है, इस तरह से रस लेना है, उसे अच्छे से मिक्स करना है, इस तरह से ये दिखता है। और अभी मैं इसे अपने स्काल्प के ऊपर लगा के बताती हूँ। अभी बालों को अच्छे से कंघी करके ले लिया है मैं। अब चाहिए तो सेक्शन निकाल के भी कर सकते हैं, लेकिन घर पे कोई इतना करता नहीं है, तो मैं सीधा एकदम ईजी बता रही हूँ। सिर्फ आगे के बालों को आपको पीछे लेना है और फिर एक क्लिप लगा के रख देना है। कॉटन लेना है, कॉटन में उसे अच्छे से मिक्स करना है, सी इस तरह से वो दिखता है। अभी आपको सिर्फ स्काल्प में लगाना है अच्छे से,
स्कार्फ को टच होना चाहिए। इसी तरह से मैं अभी ये साइड में भी करके लूँगी। इसी तरह से मैंने ये साइड में भी लगा के ले लिया है। अभी बैक साइड में आपको क्या करना है, सिर्फ लाइन्स हाथों से निकालना है। इस तरह से पूरे स्काल्प के ऊपर तो लगा के हो गया है, बालों के ऊपर मैं लगा रही हूँ। सिर्फ कॉटन लेना है, दोनों तरफ कॉटन रखना है और उसको बस वो अच्छे से लग जाएगा। दो से तीन बार उसे सिर्फ इस तरह से मसाज करके लो। इससे क्या होगा, अच्छे से पूरे बालों के ऊपर लग जाएगा। सिर्फ कॉटन लेना है, दोनों तरफ रखना है और उसे खींचना है। इस तरह से ये साइड में तो हो गया, अभी ये वाली साइड में करके लेती हूँ। अभी मेरा दोनों तरफ बालों के ऊपर मास्क लगा के हो गया है, स्काल्प के ऊपर अच्छे से लगा के हो गया है। आपको चाहिए तो दो मिनट बालों को मसाज करके थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हो। भी एक से दो चीज़ें याद रखो, अभी इसे नॉर्मल वाटर से वॉश करना है, अच्छे से शैम्पू से वॉश करना है। शैम्पू को हमेशा दो बार वॉश करें, उसके बाद कंडीशनर ज़रूर यूज़ करें। आपको जो सूट करता है वो कंडीशनर यूज़ करें, लेकिन लॉरियल का ऑयल नरिशिंग जो मैंने सजेस्ट भी किया है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपको चाहिए तो आप कोई भी कंडीशनर यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस कंडीशनर यूज़ करना, अभी ठंडी के टाइम पे कंडीशनर यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद आप देखेंगे ये मास्क आपके बालों के ऊपर क्या काम कर रहा है। आप मेरे ऊपर ट्रस्ट मत करो, खुद से ट्राई करो फिर देखो, और मुझे कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताना आपको ये मास्क कैसे लगा, आपने यूज़ किया या नहीं, और वीडियो कैसे लगा वो भी मुझे बताना। कोई भी क्वेश्चन रहेगा मुझे ज़रूर पूछना, मैं उसके ज़रूर आंसर दूंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कर देना कि मेरे वीडियोज़ आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। और भी अगर कुछ वीडियोज़ आपको बनाना है मुझे ज़रूर बताना, मैं उसके ऊपर भी वीडियोज़ बनाऊँगी। तो चलिए मिलते हैं अनदर वीडियो में, वैसे ही कुछ कह सकते, बाय।